दोस्तों, आपके पास अगर बहुत कम बजट है और आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये मॉडल दिखा देते हैं। इस मॉडल का वीडियो एक हमारे कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है, काफ़ी अच्छा आप लोग सपोर्ट भी किया है और ये साइकिल बहुत कम प्राइस में है। इसका आज देने वाले हैं माइलेज टेस्ट और लेके जाने वाले हैं काफ़ी दूर, और फुल इसका बैटरी डिस्चार्ज करेंगे और इसके फ्रेम के अंदर 36 वोल्ट और 5.2 एम्पियर के बैटरी है। तो इसको आज फुल डिस्चार्ज करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और इस वीडियो के अंदर और भी हमारे जितने सारे मॉडल है साइकिल का, जितने सारे मॉडल है एकदम लो रेंज से लेकर के हाई रेंज तक के, हाई माइलेज तक के साइकिल हमारे पास मौजूद है। हमारे अल्टर ब्रांड का काफ़ी सारे मॉडल हैं। आप लोगों को जिस तरह का मॉडल पसंद है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को सारे जानकारी मिल जाएगा। वीडियो में नहीं, इसमें सिर्फ एक साइकिल का क्लिप दिखाएंगे, उसके सारे डिटेल दिखाएंगे। और वीडियो में, वीडियो देखने के बाद आप लोग चाहे तो उसका फोटो हमको शेयर करके उसके प्राइस की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उस क्लिप के अंदर आप लोगों को माइलेज वगैरह सारे डिटेल उसमें रहेगा, बैटरी के कितना एम्पियर के बैटरी है, कितना वोल्ट से चलता है, ये सारे चीज़ें रहेगा। उसका फोटो एक भेज करके व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं आप लोग कि इसका प्राइस कितना है। तो ये जो मॉडल है इसका माइलेज टेस्ट आज देने वाले हैं। तो चलिए इसको रोड पे लेके चलते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग देख लिए हैं कि ये किस तरह का मॉडल है, और हम लोग चलेंगे सीधे, एक हम बाइक से चलेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को सारे जानकारी देने के लिए, और बीच बीच में रुक के आप लोगों को माइलेज दिखा देंगे कि कितना किलोमीटर हम चल चुके हैं और बैटरी का कंडीशन क्या है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं माइलेज टेस्ट के लिए और पूरा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसको चला के दिखाने। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दें, देख सकते हैं इसके मीटर में 1059 किलोमीटर इसमें शो कर रहा है। तो इसके बाद 5-5 किलोमीटर पे आप लोगों को जानकारी देंगे कि हम लोग 5 किलोमीटर आए हैं, क्योंकि हमको ये बाइक भी चलाना है तो बाइक चलाते हुए वीडियो शूट नहीं हो पाएगा। तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाने के बाद रोक के आप लोगों को इसके जानकारी देंगे और चलेंगे यहाँ से 10 किलोमीटर और वहाँ से रिटर्न भी आना है। उसके बाद रिटर्न आने के बाद देखते हैं इसमें कितना हमारे पास बैटरी बचता है, उससे आइडिया मिल जाएगा कि कितना माइलेज इस साइकिल में देता है। कंपनी का कहना है कि थ्रोटल मोड पे 20 से 25 किलोमीटर चलेगा थ्रोटल मोड पे, और अगर पेडल असिस्ट ऐड करके चलाते हैं तो आप लोगों को 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज इसमें मिलता है। तो चलिए इसको 5-5 किलोमीटर पर आप लोगों को जानकारी देंगे और थोड़ा बहुत छोटा छोटा क्लिप आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक 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 दोस्तों 5 किलोमीटर चले आए, आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाए हैं इसका स्पीड। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि ये 25 के स्पीड से चलता है, तो कोई कोई बता रहा था कि 30 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड है। तो दोस्तों ये 40 के लगभग का स्पीड था और हम लोग 5-7 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर हम लोग चले आए हैं। देख सकते हैं मीटर में, जैसे आप लोगों को बताए थे कि 5 किलोमीटर पर दिखाएंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं 5 किलोमीटर चले हैं हम लोगों को। अभी और जाना है, 5 किलोमीटर और जाना है, वहाँ से रिटर्न आना है। बैटरी के कंडीशन अभी भी फुल है, अभी देख सकते हैं ये बैटरी के कंडीशन फुल है। वही साइकिल है जो क्रूज कंट्रोल काम करता है, तो हाथ में दर्द ना हो जाए इसीलिए क्रूज कंट्रोल से ही चलाया गया। और एक क्लिप में, कुछ देर में एक क्लिप में आप लोगों को पैडल असिस्ट से चला के भी दिखाया जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे, हम लोगों को जहाँ तक जाना है वहाँ जाके फिर एक क्लिप बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है वो सारे मॉडल जिसके बारे में बात हम वादा किए थे कि हमारे पास जितने सारे मॉडल है सारे मॉडलों का आप लोगों को फ़ोटो शेयर करेंगे, और इसको पाउज करके आप लोग इसके डिटेल पढ़ सकते हैं। डिटेल में सारे चीज़ें लिखा हुआ है, सारे जानकारी है इसमें। बाकी अगर प्राइस के बारे में जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसका फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप में शेयर करके आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी मॉडल, जो मॉडल आपको पसंद है उसका फ़ोटो शेयर कर दीजिए, उसमें अगर बाकी कोई भी जानकारी चाहिए उसके बारे में पूछ लीजिए। ऑर्डर करना है तो व्हाट्सएप में जा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। प्राइस क्या रहेगा, वो प्राइस के अलावा 5% GST प्लस शिपिंग चार्ज, ये सारे चीज़ें आप लोगों को ऐड करके प्राइस बताया जाएगा। और इंडिया के किसी भी कोने में आप इसको मंगवा सकते हैं, कुरियर के थ्रू बढ़िया से पैकिंग करके हम लोगों के पास से भेजा जाता है। और लेडीज़ों के लिए भी साइकिल हमारे पास है, जो बहुत अच्छा साइकिल है और काफ़ी सारे फीचर के साथ। तो दोस्तों इस तरह के हमारे पास देसी मॉडल भी अवेलेबल है, देसी साइकिल जो होता है उस तरह के मॉडल में, और कुछ हैवी मॉडल में भी है जो हाई रेंज वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए कोई जानकारी चाहिए तो फ़ोन भी कर सकते। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग जहाँ तक हम लोगों को आना था वहाँ पहुँच गए हैं। ये है 10 किलोमीटर पर हमारे घर से, 10 किलोमीटर पर है, और मीटर का रीडिंग भी आप लोगों को दिखाएंगे। साइकिल के कंडीशन देखिए, और ये है अंकुश चला के आया है। हेलो। और अंकुश काफ़ी खुश है साइकिल को चला के। अंकुश का कहना था कि एकदम स्मूथ हवा में चलने के जैसा चल रहा था। अंकुश खुद अपने मुंह से बताएगा। बहुत मज़ा आ रहा था साइकिल चलाने में, एकदम स्मूथ चल रहा था, रोड ऐसा इतना बढ़िया था और इतना बढ़िया हवा चल रहा था, तो बहुत ही मज़ा आया पूरा रास्ता। तो अभी तो वापस भी जाना है। अंकुश इस साइकिल के बारे में क्या फीडबैक देना चाहेगा, एक बार बता दो। ये साइकिल बहुत बढ़िया है, एकदम स्मूथ चल रहा है, फिटिंग कंफर्टेबल है चलाने में, और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आता है साइकिल को चलाने में। इतना कम प्राइस में इतने सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि क्रूज कंट्रोल, डबल डिस्क ब्रेक, पैडल असिस्ट, डबल डिस्क पैडल असिस्ट, और ये डबल पीयू सीट है, काफ़ी मुलायम, और मडगार्ड, माइलेज 20 से 25 किलोमीटर जैसे बताया गया था उसी का टेस्टिंग आज है। तो आप लोगों को इसका फाइनल टेस्टिंग का फाइनल रिपोर्ट आप लोगों को अभी 10 किलोमीटर जाने के बाद देंगे। बैटरी का कंडीशन अभी भी फर्स्ट क्लास है, देख सकते हैं अभी फुल दिखा रहा है। ऐसे चलाने पर थोड़ा सा डाउन कर रहा है ऊपर का,
जो ऊपर का जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है ये थोड़ा सा डिम कर रहा है, और इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी सारे हैं और प्राइस काफ़ी कम है। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को रीडिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों को 59 पर हम लोग चले थे, यहाँ देख सकते हैं 70 पर चले आए हम लोग, मतलब 10 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर, 10 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग चले आए हैं। अभी उसका बैटरी का कंडीशन काफ़ी अच्छा है, और चलते हैं और फाइनल रीडिंग आप लोगों को घर चल के देंगे। तो चलिए, यहाँ का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के बारे में थोड़ा बता दें आप लोगों को। ये है नदी, देख सकते हैं ये है नदी, और यहाँ एक्चुअली मुर्दा जलाया जाता है, मतलब शमशान घाट इसको बोला जाता है, और काफ़ी अच्छा जगह, शांत एकदम वातावरण यहाँ है। यहाँ कुछ बच्चे साइकिल को देखने आया है। तुम लोगों को कैसा लगा साइकिल? ठीक। ये साइकिल कैसा लगा? ठीक। तुमको कैसा लगा? बढ़िया। बढ़िया, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ, और घर चलने के बाद आप लोगों को फाइनल रीडिंग दिखाएंगे, और प्लस इसमें जाते समय थोड़ा सा कोशिश करेंगे पेडल असिस्ट से चला के दिखाएगा अंकुश, ठीक है दोस्तों? हाँ अंकुश, ठीक है, पेडल असिस्ट से चला करके दिखाना, हम कोशिश करेंगे एक जगह रुक के पेडल असिस्ट से दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। चलाओ, तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर चले आए हैं, और इसका कंडीशन, बैटरी का कंडीशन दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम रेड हो चुका है, अब ये चलेगा नहीं। एक बार चला के दिखा देते हैं, ऐसे तो स्टैंड मोड पे चल जाएगा ये, और आप अगर बैठ के चलाते हैं, बैठ के चलाएंगे तो मत समझ लीजिए पुश करेगा, इतना इसके पास ताकत अब बचा है। तो अब देखना है कि कितना किलोमीटर हम लोग चले हैं। तो हमारे मोटरसाइकिल के रीडिंग के हिसाब से 22 किलोमीटर हम लोग चले हैं। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 81 हो गया है, हम लोग चले थे 59 पे, तो 59 से 81 तक हम लोग चले हैं, मतलब 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर हम लोग चले हैं। तो ये है इसका ओरिजिनल माइलेज, और ये टोटली 35 और 40 के स्पीड में चल के हम लोगों को ये माइलेज मिला है। अगर आप इसको 30 पे लिमिट कर देंगे तो इसमें माइलेज आपको और ज़्यादा मिलेगा। और पेडल असिस्ट से बिल्कुल नहीं चलाया गया है, थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 किलोमीटर के आसपास पेडल असिस्ट से चलाया गया है। तो पेडल असिस्ट से चलाएंगे तो 5-7 किलोमीटर और आपको इसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।